Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. Hello, good morning. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi Study पे. तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है आज है Friday और सुबह के 8 बजे हमेशा की तरह half an hour के लिए अपना एक important session है जिसके अंदर the Hindu newspaper हम लोग cover करेंगे. Apart from the Hindu दोस्तों जितने भी important sources है, जितने भी अपने important newspaper है या news है, उन सभी को हम लोग cover करेंगे ताकि आपको किसी भी exam में कोई भी problem ना हो. Doesn't matter आप कोई PSC का exam दे रहे हो, UPSC दे रहे हो या फिर आप कोई अपने SSC, railways, banking, आप अपने state का कोई exam है, पुलिस का है, किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, आधे घंटा अपना नॉलेज को दिया करो. अगर आप आधा घंटा दोगे तो यकीन मानिए दोस्तों, चाहे देश का कैसा भी पेपर हो, कहां का भी पेपर हो, तमिलनाडु के बिल्कुल जो है साउथ के अंदर भी अगर कोई पेपर हो रहा होगा जहां पे अगर जीके या करंट अफेयर आ रही होगी तो वहां पर भी आपको यही सवाल देखने को मिलेंगे. ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं. हमेशा की तरह 10 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे दोस्तों आज का द हिंदू सेकंड जो है आपको मेरे को देने पड़ेंगे, जो कि होंगे किसके लिए, अपने अनअकैडमी के लिए, जो कि काफी सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप BHUNESH बुनेश 10 है जो कि आप यूज कर सकते हैं. अगर आप बुनेश 10 यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस है जो कि आपको मिल जाएगी. अभी मेरे कौन से कोर्स चल रहे हैं रेलवे में, NTPC का है दोस्तों कंप्लीट कोर्स, 5 तारीख से ही स्टार्ट हुआ है, कल से ही. आज दूसरी क्लास है, कल इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसके अंदर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इको ये सब पढ़ा रहा हूँ वाया नोट्स. एक बार ज्वाइन कर लो, आपके रेलवे के एग्जाम में ग्रुप डी NTPC में कोई समस्या नहीं आएगी. इसके अलावा आपको दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन लेने पे मैथ, रीजनिंग, GK, GS सभी की क्लासेस मिल जाएगी. साथ में 111 टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे जिसमें से 30 के आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल रहे हैं. LIC मेंस अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, 22 तारीख को पेपर है. यहाँ पे मैं इंश्योरेंस अवेयरनेस और साथ में करंट अफेयर दोनों यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ. और SSC की बात करें तो अभी भी हिस्ट्री चल रही है दोस्तों, पुराने वाले जो वीडियो निकल गए हैं 5, 7, 10 वीडियो, उनके आपको PDF और वीडियो डाउनलोड कर सकते हो आप. यहाँ पे भी मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको प्लस करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ. और अगर आपने CGL का कर लिया तो CHSL, MTS, GD सबकी तैयारी आप जो है वो कर सकते हो. ठीक है ना, चलो भाई आगे बात करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ में. ठीक है, टाइम्स अप. ठीक है, चलो. नाटो ने अपनी 70वीं जयंती को चिन्हित किया, संगठन का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? नाटो का ब्रुसेल्स के अंदर है. ठीक है, ब्रुसेल्स के अंदर है. ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं. यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू करेगा. ओके, नेक्स्ट है, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित डैश मार करने वाली परमाणु सक्षम पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. तो सरफेस टू सरफेस ये क्या है, मिसाइल है. किसने पुरुषों का बैलन पुरस्कार जीता है? तो ये मैसी है दोस्तों, आपको मालूम है, रिकॉर्ड 6 बार. मेहुली घोष दोस्तों शूटिंग की जबरदस्त प्लेयर है, ये मैंने आपसे पूछा था. अग्नि 3 की स्ट्राइक रेंज है दोस्तों 3,500 किलोमीटर. नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है. स्पीकर महाराष्ट्र असेंबली के नाना पटोले जी को बनाया गया है, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं. न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स दोस्तों सोमा रॉय को अपॉइंट किया गया है, ध्यान रखिएगा. MOU जो कि पोलर साइंस कॉरपोरेशन पे इंडिया ने स्वीडन के साथ में किया है. आज का कोट ऑफ द डे देखते हैं जो कि खुशबू ने भेजा है. खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में, कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूछेंगे, वरना यहां इंसानियत की कीमत कम और उसके रुतबे की ज्यादा है. तो यहां पे दोस्तों खुशबू ने बिल्कुल
लिया और ये आज की रियलिटी है कि यहाँ पे इंसानियत की कीमत कम और आपके नाम के आगे डेजिग्नेशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, उसकी जो है यहाँ पे रुतबे जो है उसकी ज्यादा कदर है जो कि लोग करते हैं। मैंने आपसे दोस्तों पहले भी कई बार इस बारे में बात करी कि अगर एक करप्ट आईएएस ऑफिसर है तो उसकी रेस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए कंपैरेटिवली एक क्लर्क के जो कि अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। कभी भी किसी की पोजीशन देखकर जो है उसको रेस्पेक्ट मत दिया करो, उसके काम को लेकर, उसके नेचर को लेकर, उसके कंट्रीब्यूशन को लेकर, क्या उसकी सोच है, उसकी समझ है, उसको लेकर ही किसी को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, रेदर कि उसके आगे नाम के आगे क्या लगा हुआ है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन से ठीक है राजघराने से बिलोंग करता है, ये सब मैटर नहीं करता है। अगर हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली हम उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, और अगर हम किसी के बारे में जानते हैं तो पैरामीटर हमारे दोस्तों उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल, गाड़ी ठीक है, एक महंगी वॉच या ये सब नहीं होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सोच के ऊपर जो है वो लोगों को जज करेंगे, उनके नेचर के ऊपर जज करेंगे, इंसानियत जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है उसके ऊपर जज करेंगे, रेदर कि कौन कितना अमीर है, गरीब है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है एंड सो ऑन, इसके ऊपर रेस्पेक्ट जो है वो कम डिजर्विंग है। डेफिनेटली दोस्तों अगर कोई मेहनत करके कोई अच्छी पोजीशन के ऊपर पहुंचा है तो उस मेहनत की जो है वो डेफिनेटली रेस्पेक्ट होनी चाहिए, हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अगर अभी एग्जाम क्लियर करके लग रहे हो तो आपकी रेस्पेक्ट बनती है क्योंकि आपने कॉम्पिटिशन फाइट किया और आप लगे हो, लेकिन इतनी ये जो चीज़ है वो यहीं तक ही लिमिट है, फिर उसके बाद में जो है वो इंसानियत का रोल स्टार्ट होता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे बात चिदंबरम को लेकर और फिर उसके बाद करेंगे अपने इंटरेस्ट रेट को लेकर, रेपो रेट को लेकर, और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कुछ फ्रंट पेज के ऊपर हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे कि चिदंबरम ने बोला है, पी चिदंबरम ने, कि पीएम मोदी साइलेंट है इकोनॉमी के ऊपर, गवर्नमेंट पूरी तरीके से क्लूलेस हो चुकी है कि इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है, हमारा एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है। केजरीवाल जी ने कोई 5,000-5,500 बसेस जो है वो लॉन्च करी है जिसके अंदर जीपीएस है, साथ में पैनिक बटन है, तो कुछ इस तरीके की सुविधाएं हैं। यहाँ पे दोस्तों जो बात करी गई है ये फिर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज्ड रखा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज्ड रखा है। आपको मालूम है कि हर 2 महीने के अंदर जो है वो आरबीआई अपनी रेपो रेट जो है और रिवर्स रेपो रेट ये सबको क्या करता है, रिलीज करता है। हालांकि इकोनॉमी अभी स्लो डाउन के अंदर थी तो सबको उम्मीद ये थी कि भाई रेट कम होंगे, समझ गए, रेट कम हो जाएंगे ताकि, देखो अगर रेपो रेट कम होती है तो क्या होता है, बैंक भी अपनी रेट को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, समझ गए, बैंकों को भी तो कम रेट पे पैसा मिल रहा है तो बैंक भी अपनी रेट घटा देते हैं, जनता को भी फिर क्या मिलता है, सस्ता जो है वो लोन मिलता है और इकोनॉमी जो है वो तेजी से बढ़ जाती है, मतलब बढ़ना चालू हो जाती है, समझ रहे हो। और अभी इकोनॉमी स्लो डाउन है तो उम्मीद ये थी कि रेपो रेट जो है वो क्या हो जाएगी, कम कर दी जाएगी, लेकिन इस बार इन्हें सरप्राइज, तो ये सभी के लिए सरप्राइज था कि आरबीआई की जो कमेटी है उन्होंने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज्ड है जो कि रखा है। हर 2 महीने के अंदर ये पॉलिसी आती है। पॉलिसी रेपो रेट की बात करें तो 5.15 है प्रेजेंट के अंदर। मैं आपको सारी रेट बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए। अगर देखो गाइज आप लोगों ने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ी है तो आप एक काम करिएगा, ये लिखिएगा गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और आगे नाम लिख दीजिएगा मेरा, आपको वीडियोज मिलेंगे इकोनॉमिक्स के, उसके अंदर मैंने आपको पूरा बता रखा है कि किस तरीके से आरबीआई से जो है वो पैसा जनता तक पहुंचता है, हर तरीके से मैंने समझा रखा है। इसमें पहली चीज होती है रेपो रेट, ठीक है, तो जिस रेट से क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, आरबीआई जो है वो बैंकों को पैसा देता है, तो ये अभी 5.15 रखी गई है, समझ गए, 5.15। उसी तरीके से जब वो वापस लेता है पैसे अपने, रिवर्स रेपो रेट जिसको कहते हैं, तो ये भी शॉर्ट टर्म ही होती है दोस्तों, और यहाँ पे 4.90 है, ये कितनी है अभी प्रेजेंट के अंदर, 4.90। उसी तरीके से दोस्तों एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होती है, ठीक है, जो कि 5.40 है। एक कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश जो है रखना होता है टोटल का, वो 4% के ऊपर है, समझ गए। बैंक रेट, और बैंक रेट की बात करें, यानी कि ये जो बैंक रेट है ये क्या, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दिया जाता है ना, आरबीआई जो है वो बैंकों को पैसा देता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये बैंक रेट फिलहाल कितनी है दोस्तों, ये 5.40, समझ गए मेरी बात। तो ये बाय मंथली जो है ये पॉलिसी है जो कि यूज करी जाती है, ठीक है, हाँ, हर 1-2 साल के अंदर, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो
तो काफी सारे बच्चों को यहाँ पे ऑलरेडी पता है इसके बारे में। अगर आपको ये सब नहीं पता तो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कैसे आरबीआई काम करता है, कैसे जो है वो देश चल रहा है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने सब कुछ डिटेल में बता रखा है। वैसे तो बाकी अभी मैंने आपको बता दिया है प्रेजेंट के अंदर क्या हुआ है, देखो धीरे धीरे कम होती जा रही है, समझ गया। तो इस बार फिर एक्सपेक्टेशन थी कम होगी। इसके अलावा सबरीमाला को लेकर जो वर्डिक्ट है वो कोई फाइनल नहीं है, ऐसा कोई ऐसा आपने सीजीआई ने बोला है। यहाँ पे दोस्तों उनो रेप केस के विक्टिम जो है वो अपनी लाइफ से लड़ रही है। एक और बहुत ही दर्दनाक केस है जो कि कल सामने आया है, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। दिसंबर 2018 के अंदर एक रेप विक्टिम थी जो कि पुलिस के पास में गई कंप्लेन करवाने को, और उसके बाद उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं करी गई। जब वो हायर अथॉरिटीज के पास गई, उसके पास में कोर्ट में ये बात जाती है, तो कोर्ट ऑर्डर देता है रेप केस को रजिस्टर करने को लेकर, ठीक है। दिसंबर 2018 के अंदर जो है वो कंप्लेन जो है उसके लिए दायर करी जाती है रेप केस को लेकर, लेकिन ये कंप्लेन विटनेस नहीं होती है। 3 महीने बाद में मार्च 2019 में जाके ये कंप्लेन है जो कि दायर होती है, और उसके बाद में केस की प्रोसीडिंग होती है, बेल हो जाती है, जो लोग कल्प्रेट है उन लोगों को, ठीक है, उनकी बेल हो जाती है। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे अभी कल के दिन क्या होता है कि जो लड़की थी उसको यहाँ पे आग लगा दिया गया। 90% बॉडी जो है वो जल चुकी है, और अभी वो दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर है। पूरे देश के अंदर इस चीज़ को लेकर अभी भी बहुत आक्रोश है। अभी हैदराबाद वाला तो अभी आपको मालूम है, वो भी हुआ था दर्दनाक केस, और एक और बहुत बड़ा दर्दनाक केस है जो कि यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो वही है यार, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसानियत को प्रमोट करना ज़रूरी है। चीज़ें जो है वो वर्स्ट से वर्स्ट है जो कि सोसाइटी में हो रही है। अगर किसी को ये लग रहा है कि सोसाइटी के अंदर जो है, समाज जो है वो भारत के अंदर सुधर रहा है, तो ये हमारी गलतफहमी है, ठीक है। हमारा समाज जो, हमारी सोसाइटी, हमारा जो भारत है वो पीछे की तरफ जा रहा है, ना कि आगे की तरफ। हालांकि एजुकेशन जो है वो ऊपर बढ़ रही है, लेकिन एजुकेशन अच्छी आगे बढ़ रही है, लेकिन वो एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ किताब को कैसे जैसे करवा के रीड करवाने को एजुकेशन नहीं कहते। एजुकेशन दोस्तों पैरामीटर ही अलग है। अब आप लोग समझ गए होंगे एजुकेशन का मतलब होता ही क्या है। जब आप पिछले टाइम से, काफ़ी टाइम से जब आप वाईफाई स्टडी से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों जो कि त्रिपुरा को लेकर है। त्रिपुरा के अंदर प्रोटेस्ट किया गया है सिटीजनशिप बिल को लेकर, आपको मालूम है। हालांकि जो त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम और आसाम, इनको जो है सेपरेट किया गया है। वैसे तो इनके नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसको वैलिड नहीं किया गया है, लेकिन प्रोटेस्ट फिर भी यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे डीयू, और यहाँ पे जो डीयू के अंदर जो एडहॉक टीचर्स को लेकर मुद्दा चल रहा था, उसको लेके क्लैरिफिकेशन हुआ है कि मतलब कुछ पार्ट टाइम टीचर्स हैं जो कि लेक्चरर्स वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के तौर पे बुलाए गए थे, तो उनकी जॉब रहेगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है अभी, क्योंकि इसको पहले लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। इसके अलावा दोस्तों ये अपने प्याज के प्राइसेस को लेकर है, निर्मला सीतारमन जी की बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। जेएनयू के अंदर प्रोटेस्ट अभी भी कंटिन्यू है, एग्जाम भी आने वाले हैं, ओके। तो ये आपका पूरा का पूरा फ्रंट पेज है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। एक यहाँ पे काफी अच्छी ब्यूटीफुल सी फोटो आई है बुलबुल की, ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए लगा दी। आगे बात करते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। पेज नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे डिफेंस को लेकर बात करी गई है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे डिफेंस को लेकर बात करी गई है, इस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है मुद्दा। अभी आपको मालूम है दोस्तों कि अपने डिफेंस के अंदर जो है, डिफेंस जो अपने कमिटी है, उन्होंने बोला था कि 33,000 करोड़ रुपए जो है उसके ऑर्डर प्लेस करे गए हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इनको जो है ये टेंडर है जो कि दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, समझ गए। अभी यहाँ पे क्या 33,000 करोड़ रुपये में क्या किया जा रहा है उसका डिटेल है जो कि यहाँ पे बताया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे T-90 के जो टैंक है वो बिल्ड करे जाएंगे, लाइसेंस जो है वो रशिया से लिया जाएगा, और रशिया के जो टैंक्स है उनके भी आप उनके जैसे टैंक बनाए जाएंगे, ठीक है। ये 19,000 करोड़ रुपए का है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, तो 6,000 करोड़ रुपए की ये डेवलप करी जा रही है। ये सप्लायर कौन है इसका, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ध्यान रखिएगा। आकाश जो है वो हमने खुद ने DRDO के द्वारा डेवलप करी है, आपको मालूम है, ठीक। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एडवांस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि ये भी 8,000 करोड़ के आसपास है, इसका भी सप्लायर कौन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
लिमिटेड है। तो अगर आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो तो ये सवाल 101% आपके एग्जाम में आएगा कि ये डील जो है कौन सी कंपनी को मिली है, भारत इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सी दूसरी कंपनी है। तो ये यहाँ पे बताया गया मेक इन इंडिया के तहत दोस्तों MOD साइन करे गए थे 180 कॉन्ट्रैक्ट जो कि 2,00,000 करोड़ रुपए के थे 2014 के अंदर, ठीक है, और अभी तक उनका जो है कुछ आगे नहीं बढ़ा पाया है, ठीक है। तो 2,00,000 करोड़ रुपए के MOU साइन करे गए थे लेकिन अभी तक उनमें कुछ ज्यादा देखने को हमें नहीं मिला है। पाइपलाइन के अंदर भी और भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, और भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम करने को लेकर बताया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरी डिटेल है जो कि इसके बारे में बताई गई है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 13 को लेकर, और सिटीजनशिप बिल को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे देख सकते हो आप, और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो फॉरेक्स रिजर्व को लेकर है। यहाँ पे एक न्यूज़ थी फॉरेक्स रिजर्व को लेकर कि अभी हमारा ऑल टाइम हाई जा चुका है, $450 बिलियन तक जो है वो फॉरेक्स रिजर्व है जो कि इंडिया के पास में आ चुका है। अभी ये होता क्या है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, काम क्या है, ये सब भी देख लेते हैं हम लोग। देखो एक्चुअली मैं आपको मालूम है कि अभी जो है $1 जो है वो कितने 71 रुपए के बराबर पहुंच चुका है, समझ गए। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि फॉरेन करेंसी है जो कि हम हमारे पास में रखते हैं ताकि क्या कर सके, कल को अगर हमें कोई सामान खरीदना है तो हम उस डॉलर के द्वारा क्या कर सकते हैं, ठीक है, डॉलर के द्वारा हम सामान है जो कि खरीद सकते हैं। $450 बिलियन का हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो कि हमारे पास में पहुंच गया, और पहली बार हुआ है कि इतना ज्यादा हमारे पास में है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, रुपए की वैल्यू को कंट्रोल कर सके। अगर हमारे पास में डॉलर में डील करेंगे तो रुपए की वैल्यू क्या रहेगी, हम कॉन्स्टेंट कर लेंगे, समझ गए, थोड़ी सी वैल्यू को रोक लेंगे, ठीक है, ये यहां पे बोला गया है। देखो कोई भी अगर किसी भी देश के अंदर सबसे पहले इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है ना तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है वो आपके फॉरेक्स रिजर्व है जो कि आपको बचाते हैं उस देश के अंदर ज्यादा समस्या खड़ी ना हो उस चीज से। लेकिन जब ये ज्यादा हो जाए तब भी नुकसान है और बिल्कुल कम हो तब भी नुकसान है, तो एक बीच के टाइम पे जो है इसको होना जरूरी है। अभी जो अगर बात करें दोस्तों तो ये अभी $450 बिलियन है और ये जो है बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट का जो है वो मोटिव है तो कोई $750 बिलियन तक लेके जाने का है, वो एक्चुअली अगर इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली बात करी जाए तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी भी जो ये मार्क है वो भी अपने इंडिया का अभी तक का सबसे हाईएस्ट पहुंच गया है, समझ गए। अभी हम क्या कर सकते हैं, 11 महीने तक जो है वो इम्पोर्ट कवर है जो कि हमारे पास में मिल जाएगा। नॉर्मली देखो क्या बोलते हैं इकोनॉमिस्ट, क्या बोलते हैं इकोनॉमिस्ट, बोलते हैं कि अगर आपको पास में कोई भी इम्पोर्ट कराने का, हम बहुत सारी चीजें इम्पोर्ट करवाते हैं ना, तो इंपोर्ट का जो हम पैसा देते हैं तो वो डॉलर में देते हैं, तो भाई आपके पास में 3 महीने तक का जो है वो इंपोर्ट कराने तक का फॉरेन रिजर्व जो है, यानी कि फॉरेन करेंसी जो है ना जो कि मेनली डॉलर में ही डील होती है, वो आपके पास में होनी चाहिए। अभी हमारे पास में 11 महीने का रिजर्व है जो कि हो गया है, ठीक है, तो अभी यानी कि अगर मैं बात करें तो काफी ज्यादा हो गया है, ओके। लेकिन इंडिया की अभी कंडीशन इस प्रकार है, स्लो डाउन है ऑलरेडी, इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा नीचे है, तो इस केस के अंदर तो यह है कि भारत को एक लाइन ऑफ कवर को बढ़ाने की जरूरत है, तो ये भारत ने इसको बढ़ा भी लिया है, 11 महीने तक जो है वो कर लिया है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में आपको बता देता हूं कि ये होता क्या है। देखो दो चीजें हम यहां पे समझेंगे, एक तो हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम, RBI, एक बात तो एक और ध्यान रखिएगा कि हम जो करेंसी प्रिंट करते हैं ना, समझ गए, वो हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मद्देनजर रखकर जो है वो करेंसी प्रिंट करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जितना देश के पास में गोल्ड होता है उसके हिसाब से करेंसी जो है वो प्रिंट करी जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा 1956 से पहले हुआ करता था, 1956 से हमने दोस्तों क्या कर लिया, एक सिस्टम अपना लिया मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं 200 करोड़ रुपए जो है वो हम गोल्ड कॉइन के अंदर, गोल्ड की जो प्लेट होती है, फॉरेन करेंसी होती है, उसके अंदर हम रख लेते हैं। 200 करोड़ में से 115 करोड़ तो हमारे पास में गोल्ड ही होता है, ठीक है, कल को अगर एकदम से कोई जरूरत हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उस केस में हम इसको काम में ले सकते हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि करेंसी जो है वो हम लोग इस वाले सिस्टम के ऊपर क्या करते हैं, ठीक है, न्यूनतम रिजर्व सिस्टम के ऊपर क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। मैंने हिंदी में भी दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक और बात करी यहां पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, जिसको मैंने अभी आपको बताया फॉरेक्स, जिसको मैंने नाम दिया $450 बिलियन के बारे में,
अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अंतरराष्ट्रीय भंडार का मुख्य आधार है और सबसे अधिक बार इसको उपयोग किया जाता है, कोई भी देश के अंदर कोई भी अगर परिस्थितियां खराब होती है तो सबसे पहले लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि इसी को काम में लिया जाता है। ये दोस्तों नगद में हो सकता है, ठीक है, विदेशी मुद्रा में हो सकता है, संपत्ति में, या इन चीजों के अंदर इसको इकट्ठा किया जाता है। नॉर्मली डॉलर के अंदर ही रखते हैं सब इसको, ठीक है। और समझ गए, कुल मिला के बात करें तो ये फॉरेन एक्सचेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी देश की इकोनॉमी की मजबूती के लिए। ओके, वो क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए काम में लेता है। अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो भाई एक्सपोर्ट भी करूंगा, अगर मेरे पास रुपए हैं तो मेरे को डॉलर भी तो चाहिए, बाकी विदेशी लोग तो डॉलर में लेंगे पैसे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि पैसे देना और लेना दोनों को मैनेज करने के लिए इसको होना बड़ा जरूरी होता है। अब इसके फंक्शन क्या क्या है भाई, विदेशी मुद्रा भंडार के कार्यों में मुख्य रूप से चार पहलू शामिल है। पहली बार तो बाहरी भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए, अगर आप मान लो कि आपने अमेरिका से कोई चीज खरीदी है, समझ गए, अगर आपने अमेरिका से कोई चीज खरीदी है तो आप उसको रुपए में थोड़ी ना दोगे, आप उसको डॉलर में दोगे, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, डॉलर अपने पास रखना जरूरी है। विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना जरूरी है, अगर क्या होगा, अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो रुपए की वैल्यू हो सकता है कि 100 के पार पहुंच जाए, एक डॉलर 100 रुपए के ऊपर पहुंच जाए, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हम, तो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है कि रखना अपने पास में पड़ता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता के रख रखाव, ठीक है, और क्षमता में सुधार जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मजबूत रखने के लिए, तो ये सब चीजों के लिए जो है इसको नेशनल स्ट्रेंथ को, फाइनेंशियल रिस्क को काउंटर अटैक करने के लिए, फाइनेंसिंग कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए, समझ गए, इसलिए हमको फॉरेन एक्सचेंज जो कि रखना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सबको समझ में आ गया होगा फॉरेक्स होता क्या है, क्यों रखा जाता है, कितना अभी हमारे पास में है और कारण क्या है इसको रखने के, समझ गए। ज्यादा अगर आपने रख लिया तो नुकसान क्या हो जाएगा कि आप ज्यादा अगर अपने पास में रख लोगे तो कुल मिला के आप क्या नहीं कर रहे हो, सर्कुलेशन जो है वो मनी का रुक रहा है। अगर आप अपने पास में कम रखोगे तो क्या हो जाएगा, कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इंपोर्ट नहीं करा पाओगे, समझ गए। तो ये दोनों ज्यादा और कम के भी मैंने आपको फायदे नुकसान बता दिए हैं, उम्मीद करता हूं कि पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने एक्ट आया था एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, उसके तहत जो है हम इसको हमारे पास में रखते हैं, किन चीजों में रखते हैं, फॉरेन करेंसी के एसेट हो गए, गोल्ड भी हो गया, SDR हो गया, ठीक है, इन चीजों के अंदर हम फॉरेन एक्सचेंज है जो कि रखते हैं, और मेनली जो है इसके अंदर डॉलर है जो कि हम लोग रखते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं पेज नंबर 18, उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 18 की बात करें तो यहां पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक जो है न्यूज, ये वाली दोनों न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहां पे दोस्तों पहली न्यूज ये है कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर GS लक्ष्मी दोस्तों फर्स्ट वुमेन बन गई है जिन्होंने की रेफरी बनी है किसी ओवरसीज मैन ODI के अंदर, ठीक है। थर्ड सीरीज हो रही थी वर्ल्ड कप लीग 2 के अंदर UAE के अंदर, ओके, तो वहां पे UAE और USA के बीच में मैच हो रहा था शारजा में, तो वहां पे ये मैच रेफरी बनी है। तो पहले तो दोस्तों क्या था कि न्यूज ही आई थी कि वो बनेगी, अभी जो है ये बन गई है, तो इन्होंने इतिहास है जो कि रच दिया है, ध्यान रखिएगा, पेपर में सवाल है जो कि बनेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, ICC ने थर्सडे को अनाउंस किया है कि उसकी जो पार्टनरशिप है स्मार्टफोन मेकर ओप्पो के साथ में वो अगले 4 सालों के लिए उन्होंने एक्सटेंड करती है। तो ओप्पो जो है अब उसका पार्टनर, ऑफिशियल पार्टनर जो है, मोबाइल हैंडसेट पार्टनर है ICC का, वो आने वाले 4 साल तक और रहने वाला है, समझ गए। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपको BCCI के बारे में भी पता होना चाहिए, BCCI के जो स्पॉन्सर्स हैं, अभी आपको मालूम है ना बायजू ने भी किया था, पेटीएम है, नाइकी है, ड्रीम इलेवन है, समझ गए, अंबुजा सीमेंट, स्टार स्पोर्ट्स, पेप्सी, ये सारे स्पॉन्सर्स हैं। पहले ओप्पो भी था लेकिन उसने विड्रॉ कर लिया था, उसकी जगह पे बायजू आ गया था, समझ गए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे को लेकर जो कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है। सॉइल का जो इरोजन होता है, ऊपर की जो लेयर होती है, हमें उसको प्रिजर्व करना होता है, उसको प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि ऊपर की लेयर के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिशंट होते हैं, तो ताकि जो है पेड़ पौधे अच्छी तरीके से उग सके, तो ये जरूरी होता है। तो इससे बचाव के लिए दोस्तों वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, सॉइल की इंपॉर्टेंस को लेकर बताया जाता है, सॉइल पॉल्यूशन को लेकर बताया जाता है, थीम रखी गई है स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर।
बोस्निया ने अपने वायु क्षेत्र का पूरा नियंत्रण है जो कि कर लिया है। तो यहाँ पे बात करी गई है दोस्तों बोस्निया को लेकर। ओके, तो बोस्निया कंट्री के बारे में भी आपने सुना होगा थोड़ा बहुत। पहले मैं आपको बोस्निया और हर्जेगोविना करके जो कंट्री है इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो पहले ये बोस्निया इसका नाम था जो कि एक साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, बालकान पेनिनसुला जो है ना वहां पर है ये, ठीक है। बोस्निया और ठीक है हर्जेगोविना, बोस्निया और हर्जेगोविना अभी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूरोप का मैप है ना, तो यहाँ पे ही देखो क्रोएशिया हो गया, सर्बिया हो गया, इसके जस्ट पास में ऊपर वाला देश इसके क्रोएशिया है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये है बोस्निया और हर्जेगोविना, हर्जेगोविना बोस्निया का ये रहा पूरा एक प्रॉपर मैप। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों क्रोएशिया है, साथ में यहाँ पे इसके जो पड़ोसी देश है वो है सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, ठीक है, एक कोसावो है जिसका, ठीक है, सर्बिया के साथ में काफ़ी इश्यूज हैं बॉर्डर को लेके, अल्बेनिया है। तो ये यहाँ पे एड्रियाटिक सी के जस्ट पास वाले एरिया के अंदर है, समझ गए। अभी यहाँ पे क्या था दोस्तों कि इसकी जो एयर स्पेस का जो कंट्रोल था वो नाटो के पास में था, 1995 से लेके 2003 तक जो है उन्होंने कंट्रोल करा हुआ था। उसके बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया था सर्बिया को और क्रोएशिया, इसके दो आपस के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको। बोस्निया ने धीरे धीरे बिल्डअप करना चालू किया, खुद का मॉडर्न सिस्टम है जो कि चालू किया, 10,000 मीटर तक तो उसके खुद के पास में आया पहले 2014 तक, ठीक है। अभी 10 साल उसने और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, अभी फाइनली 400 लोगों को ट्रेन करके एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो सीखा और अब पूरी तरीके से कंट्रोल है जो कि कर लिया। 1990 के अंदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है जो कि यहाँ पे हुई थी, ठीक है, तो उस टाइम पे नाटो की सेना ने यहाँ पे काफी बड़ा रोल है जो कि प्ले किया था, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो एक यहाँ पे उस टाइम पे डेटॉन करके एक एग्रीमेंट हुआ था 1995 के अंदर, उससे पहले वॉशिंगटन के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ, तो इसको इंडिपेंडेंस मिली थी युगोस्लाविया से, समझ गए, युगोस्लाविया से इसको इंडिपेंडेंस मिली। उसके बाद नाटो की फोर्सेस ने यहाँ पे रोल प्ले किया, उसके बाद में इनके पास में ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, अंडर डेवलप थे उस टाइम पे, एयर ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है क्या करना है, तो पड़ोसी देशों ने क्या कर रखा था, इसको कंट्रोल है जो कि रख रखा था, समझ गए, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात है जो कि करी गई थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो कैपिटल है दोस्तों वो ठीक है यहाँ पे सराजेवो, सराजेवो है जो कि इसकी कैपिटल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और करेंसी की बात करें तो मार्क करके कन्वर्टेबल मार्क, BMA बोलते हैं इसको, BAM कन्वर्टेबल मार्क, ठीक है, वो यहाँ पे काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेंकैया नायडू ने दोस्तों लॉन्च किया है भारतीय पोषण अभियान, ठीक है, भारतीय पोषण अभियान है जो कि यहाँ पे लॉन्च किया है, समझ गए, और वेंकैया नायडू जो है जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, ये बात भी आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक एंथम है जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस करी गई है, प्रसून जोशी है उसने उसके लिरिक्स लिखे हैं, गाना शंकर महादेवन ने गाया है, और इसको जो कंसेप्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम WCD जो मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। पोषण अभियान और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी आप इसको कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया को 2022 तक जो है वो कुपोषण से मुक्त करना है, समझ गए, तो ये इसका मिशन का एम है जो कि यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा की जो टिकट्स है वो अभी बिग माई शो के ऊपर आपको मिलना चालू हो जाएगी। आपको मालूम है देश देश का काफी बड़ा म्यूजियम है, 49 या 50 के टाइम पे इसको सेटअप किया गया था, 1,00,000 से भी ज्यादा आपको आर्ट वर्क है जो कि नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा में देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये है दिल्ली के अंदर और काफी बड़ा म्यूजियम है, ठीक है, आपको इंडस वैली से लेकर 5,000 साल तक का पूरा इतिहास वाली चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पे ई लर्निंग के लिए मधु ऐप है जो कि उड़ीसा में लॉन्च की गई है, तो उड़ीसा के अंदर एक एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है ताकि क्लासरूम के अंदर ई लर्निंग जो है वो बच्चे कर सके, घर बैठ के पढ़ाई कर सके, वीडियो को डाउनलोड कर सके, ठीक है। उड़िया लैंग्वेज के अंदर जो है इसको पब्लिश किया गया है और धीरे धीरे बाकी लैंग्वेजेस में भी इसको डाला जाएगा। ऐप का जो नाम है वो फ्रीडम फाइटर था दोस्तों मधुसूदन दास, उनके नाम के ऊपर रखा गया है, ठीक है। मैथमेटिक्स के, साइंस के क्वेश्चंस और वीडियोस है जो कि इसके अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जोकर फेम, ओके, फिनिक्स को पीटा के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। तो अभी आपको मालूम है जोकर मूवी आई थी ना, तो उसके एक्टर थे फिनिक्स, तो उनको पीटा ने यहाँ पे पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पे नवाजा है। इंडिया के अंदर दोस्तों विराट कोहली को जो है पर्सन ऑफ द ईयर का
के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है, समझ गए? तो इंडिया में विराट हो गए और वर्ल्ड के अंदर फॉनिक्स हो गए। ध्यान रखिएगा, 3 साल से ये वीगन है दोस्तों, है ना, 3 साल से जो है ये वीगन है। फॉनिक्स, वीगन का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से एनिमल के कोई भी प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो फिर दही हो, किसी भी तरीके से कोई भी एनिमल में से अगर कोई भी चीज डिराइव हो रही है, ठीक है, तो आप उसको यूज नहीं करते हो, उसको बोलते हैं वीगन। वेजिटेरियन से भी एक स्टेप आगे है ये, ठीक है। 3 साल से ये वीगन है दोस्तों, और लॉन्ग टाइम सपोर्टर है एनिमल राइट के ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। और प्रीवियस पीटा पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पे पोप फ्रांसिस, ठीक है, एंजेला अस्टन, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नवाजा जा चुका है। विराट कोहली खुद भी वीगन है, बहुत सारे क्रिकेटर्स है दुनिया में और स्पोर्ट्स मैन है जो कि वीगन बन चुके हैं, क्योंकि फिटनेस का लेवल जो है काफी ज्यादा बेटर है, जो कि हो जाता है अगर आप वीगनिज्म को प्रमोट करते हो तो, ठीक है ना। नेक्स्ट है फॉर्मर FM जो थे अपने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी, उनको इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। फॉर्मर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मर अपने कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि विराट कोहली दोस्तों ICC टेस्ट रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पे पहुंच गए हैं दोस्तों, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के स्विस स्मिथ है जो कि सेकंड नंबर के ऊपर चले गए हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो कि आज के सिग्निफिकेंस की, 6 दिसंबर की बात करें तो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन आप सभी लोगों को मालूम है आज के दिन पे हुआ था, 1500 लोगों की जो है उसके राइट्स होने के बाद में डेथ भी हो गई थी, तो काफी बड़ी कीमत है जो कि देश को चुकानी पड़ी है इस बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के, ठीक है। और कहीं पर भी दुनिया के अंदर किसी भी कोई भी अगर रिलीजियस साइट होती है तो उसके लोगों के कई सारे सेंटिमेंट जुड़े हुए होते हैं, तो अगर ऐसा डिमोलिश होता है और वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, तो काफ़ी नुकसान है जो कि देखने को मिलता है। 2017 की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो जेरूसलम को कैपिटल है जो कि इज़राइल की मान रहे हैं। देखते हैं दोस्तों दो एक्सपीरियंसेस, एक तो राजू पाल के और एक यहाँ पे हफीजुल, दो के एक्सपीरियंसेस। राजू बोलते हैं कि सर मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ और मेरा एक हाथ नहीं है, मैं आपके क्लासेस पीछे 6 महीने से देख रहा हूँ और आपकी क्लासेस से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। जिस समाज में रहता हूँ यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे जो भी लोग मिलते हैं बस यही कहते हैं कि बस बेटा पढ़ाई करो और पढ़ाई करने से ही जीवन के अंदर तब्दीली आएगी। जब भी ये फेल होते हैं तो इनके पापा जो है वो इनको मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि एग्जाम में फेल जो है वो होना बड़ी बात नहीं है, बस आप मेहनत करो और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इसी के तहत इन्होंने SSC का जो CHSL का जो फर्स्ट पेपर है वो भी इन्होंने क्वालिफाई है जो कि कर लिया था। तो यहाँ पे राजू का दोस्तों मोटिवेशन से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जिस तरीके से राजू लगे हुए दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने एम्स की तरफ, उस तरीके से उम्मीद करता हूँ आप भी पूरी मेहनत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और हफीजुल कहते हैं कि 14 तारीख पे इन्होंने एक दिन का कोई हिस्ट्री का लेक्चर है जो कि देखा था, ठीक है, हिस्ट्री के मैंने सारे वीडियोस बना के डाले हुए हैं वैसे आप लोगों के लिए, तो कोई एग्जाम दिया इन्होंने, वहाँ एग्जाम दिया था वेस्ट बंगाल के प्रीलिम्स का, तो एक वीडियो में से 3 क्वेश्चन है जो कि इनके एग्जाम में आए और इन्होंने करे, उसके बाद से रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं और काफ़ी इनको हेल्प मिल रही है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वीडियो मैंने सारे डाले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अभी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप दोस्तों BHU NESH Bunesh10 यूज करके अनअकैडमी पे भी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी रेलवे में मेरा कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हुआ है NTPC का दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा LIC मेंस की क्लासेस स्टार्ट हुई है और SSC CGL के अंदर भी हिस्ट्री चल रही है, ठीक है। यूट्यूब पे भी मैंने डाले हुए हैं भाई, अगर आप हिस्ट्री लिखे बुनेश लिखोगे तो वीडियो मिल जाएंगे आपको, और अगर आपको लाइव क्लासेस में पढ़ना है तो ये एक और मौका है आपके पास, यहाँ पे पढ़ सकते हो। CGL में मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, करंट अफेयर, ये सब कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ। 1 साल का अगर आप CGL का सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो आप CGL, CHSL, MTS, GD, ठीक है, सभी क्लासेस के अंदर जो है सारी कंप्लीट कोर्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। इसी तरीके से रेलवे के अंदर भी दोस्तों मैथ, रीजनिंग, GK GS सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी टेस्ट के साथ में। लेना कैसा है, अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, ओपन करनी है, ओपन करने के बाद में आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, UPSC SSC जो भी आपका गोल हो, रेफरल कोड आप Bunesh10 यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको 10% ऑफ के साथ में सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस कंप्लीट कोर्स के साथ में टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने रेलवे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आप यहाँ पे प्लस में गए, फिर यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में, फिर 12 महीने का आपने या 6 महीने का ले लिया, 12 महीने का लीजिएगा सस्ता पड़ेगा, SSC का मात्र 500 रुपये पर मंथ और रेलवे का 400 रुपये पर मंथ, ठीक है। उसके बाद में रेफरल कोड के अंदर आपको BHU NESH Bunesh10 है जो कि आपको अप्लाई करना है।
ओके, तो उसके बाद आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। देखते हैं दोस्तों आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने है। अरे एनटीपीसी वाली क्लास मिल जाएगी विजय, एक बार चेक करो। विश्व मृदा दिवस 2019 का विषय क्या है? वर्ल्ड सॉइल डे की थीम क्या है? हाल ही में बोस्निया ने अपने वायु क्षेत्र का पूरा नियंत्रण ले लिया है। बोस्निया की राजधानी क्या है? बोस्निया एंड हर्जेगोविना के बारे में आपको बताना है। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा के टिकट अब निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं? पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? विराट कोहली ने डैश को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन स्थान है जो कि प्राप्त किया है। बायोमेट्रिक डेटा के आक्रामक उपयोग के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? हाल ही में सरकार द्वारा उड़ान योजना का कौन सा चरण है जो कि शुरू किया गया है? किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए राज्य मधु ऐप की शुरुआत है जो कि करी गई है? कौन सा शहर भारत यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन करेगा? बॉब विलिंग्स का पेशा क्या था जिनके हाल ही में 70 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई? आपके महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।